और आने वाली 16 तारीख को मध्य प्रदेश में बड़ा जश्न होने जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि 16 जून को मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत प्रदेश भाजपा बड़े ही धूमधाम से करने की तैयारी में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मध्य प्रदेश से मंत्रियों की संख्या इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी 6 मंत्री रखे गए हैं। पिछली केंद्र सरकार में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सदस्य एल मुरुगन राज्य से मंत्री थे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सिंधिया, मुरुगन और वीरेंद्र कुमार को बरकरार रखा गया है। बीजेपी के दिग्गज और राज्य के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, धार सांसद सावित्री ठाकुर, बैतूल सांसद दुर्गादास उइके को भी शामिल किया गया। मंत्रियों के स्वागत और मध्य प्रदेश में बड़े जश्न को लेकर भाजपा संगठन महामंत्री भगवान दास सदनानी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 16 जून को शाम 5 बजे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मंत्रियों का स्वागत करेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निमंत्रण भी भेजा है। तीसरी बार की बनी सरकार में मध्य प्रदेश से पुनः पिछली सरकार की तुलना में वैसा का वैसा ही इस बार भी 6 माननीय मंत्रियों को स्थान मिला है। जैसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एल मुरुगन जी, सावित्री ठाकुर जी और दुर्गादास उइके जी, इन सभी 6 मंत्रियों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जहाँ एक तरफ बधाई दी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है कि मध्य प्रदेश को पुनः आपने 6 स्थान दिए हैं अपने साथ।